अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अमजद हुसैन, हुसैन टेक इंजीनियर की तरफ से एक नई वीडियो के साथ जो कि इलेक्ट्रिक कंट्रोल सर्किट से रिलेटेड है। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये है की कार्ड कंट्रोल सर्किट डायग्राम। दोस्तों ये वो सर्किट डायग्राम है जो कि होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता है। इस सर्किट की मदद से दोस्तों हम अपनी लाइटें और दूसरे अप्लाइंसिस को की कार्ड की मदद से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इसके कंट्रोल सर्किट डायग्राम की तरफ। दोस्तों इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि ज़रूरी हैं इस सर्किट को बनाने के लिए, वो है दोस्तों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, वोल्टमीटर इसके वोल्टेज को चेक करने के लिए, इंडिकेशन लाइट जो कि हमें ऑन ऑफ की जो हालत है वो बताएगी, और दोस्तों इसमें सबसे अहम चीज़ ये है की कार्ड, और एक हमने ऑटो मैनुअल स्विच लेना है जिससे हम दोस्तों इसको दो हालतों में रन करवा सकते हैं इस सर्किट को, एक मैनुअली और एक की कार्ड की मदद से ऑटो। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसके जो है मैन्युअली उसको डिस्कस करेंगे कि मैन्युअली हम इसको कैसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले हमने इसके जो न्यूट्रल को लिंक कर देना है, इंच वोल्टमीटर, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इंडिकेशन लाइट और की कार्ड के कॉइल पॉइंट की एक तरफ हमने न्यूट्रल जॉइंट कर देनी है। और दोस्तों उसके बाद हमने फेस लिया हमने मैन्युअली चेंज ओवर के मैनुअल पॉइंट में हमने ले लिया। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही मैनुअल को रेगुलेट करेंगे, ऑन कराएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद फेस इसके ऑफ पुश बटन में से होता हुआ ऑन पुश बटन में, ऑफ पुश बटन के दूसरे पॉइंट से हम डायरेक्ट फेस लेंगे जो कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट में एक तरफ से हमने उसको लगा देना है। और दोस्तों इसी तरह ऑन पुश बटन के दूसरे पॉइंट से हम फेस लेंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के दूसरी तरफ से नॉर्मली ओपन पॉइंट में लगा देना है। दोस्तों यहीं से हम लिंक करेंगे ऑन पुश बटन में से, इधर आएगा, इधर से दोस्तों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉइल पॉइंट में चला जाएगा। दोस्तों यहीं से लिंक होता हुआ फेस वोल्टमीटर में और लाइट में चला जाएगा। दोस्तों जैसे ही हम मैन्युअली इसको ऑन पुश बटन को पुश करेंगे तो सप्लाई से ये ऑन हो जाएगा और आउटपुट देनी शुरू कर देगा। दोस्तों ये था इसका मैन्युअली, और दोस्तों हम चलते हैं इसके ई कार्ड की मदद से ऑन करवाने के लिए। तो दोस्तों हमने फेस लिया, फेस जो कि डायरेक्ट चला जाएगा की कार्ड के कॉइल पॉइंट में। तो दोस्तों ये की कार्ड के कॉइल पॉइंट में आ गया, की कार्ड इस टाइम ऑन होगा। तो दोस्तों जैसे ही गेस्ट हम इसको दोस्तों की कार्ड को ऑन करने से पहले इस पॉइंट को यानी कि हमने चेंज ओवर को ऑटो हालत में रखना है ऑटो करवाने के लिए, ऑटो फंक्शनिंग के लिए। तो दोस्तों जैसे ही हम कार्ड गेस्ट इसमें कार्ड इन करेगा, इन करने के बाद ये की कार्ड आउटपुट देगा ऑटो चेंज ओवर को, ऑटो चेंज ओवर क्लोज हालत में होगा। जैसे ही क्लोज होगा तो इससे हमारी इंडिकेशन लाइट भी ऑन होगी, वोल्टमीटर भी वोल्टेज बताएगा और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा। इसके ऑन होने से सप्लाई ब्रेकर्स को जाएगी और ब्रेकर से होती हुई हमारी जो लाइट्स हैं ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएंगी। तो दोस्तों ये है की कार्ड कंट्रोल वायरिंग सर्किट डायग्राम। दोस्तों ये लर्नर के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो ऑनलाइन होगी, मैं इसी की कार्ड को ऑन द स्पॉट उसी जगह जहाँ ये लगे हैं मैंने लगाए हैं वहाँ पर आपको ऑन ऑफ की कार्ड की तरफ से और मैन्युअली पुश बटन की मदद से आपको ऑन करके लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों
मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।